अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इफ़ यू मेकर चैनल में आप सबको खुश आमदेद। आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो ख़ास तौर पर नए यूट्यूबर्स के लिए है जो वीडियो बनाते हैं और उसमें उनसे कुछ गलतियाँ हो जाती है और उनको समझ नहीं आती कि वो उस गलती को म्यूट कैसे करें। तो मैं आज जो इस वीडियो में बहुत आसान सी टिप्स बताऊँगा जिसके ज़रिए से आप अपने उस गलती को म्यूट कर सकते हैं। और इसके अलावा ये आम लोगों के लिए भी है जो वीडियो बनाते हैं और उनमें उनसे कुछ गलतियाँ हो जाती है तो उस गलती को वो म्यूट कर सकते हैं। तो मेरी इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। तो चलिए वीडियो की जानिब, वीडियो को शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले काइन मास्टर में जाना है। काइन मास्टर में जाने के बाद आपने प्लस के निशान पर क्लिक कर देना है। प्लस के निशान पर क्लिक करने के बाद आपने एमडी प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करना है जिस साइज़ की वीडियो आप बनाना चाहते हैं। तो मैंने इस साइज़ को सेलेक्ट कर दिया है। इस साइज़ को सेलेक्ट करने के बाद आपने मीडिया पे जाना है। मीडिया पे जाने के बाद आपने वो वीडियो ले लेनी है जिसमें आपसे गलती हुई हो। तो आपको डेमो देने के लिए मैं एक वीडियो को सेलेक्ट करता हूं। मैंने इस वीडियो को सेलेक्ट कर दिया है, यहां से इसको ओके कर दिया है। तो अब फ्रेंड्स आप इस वीडियो को गौर से देखिए, मैं आपको प्ले कर रहा हूं और आपको बताऊंगा कि आप अपनी आवाज़ को कैसे म्यूट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इफ़ी मेकर चैनल में आप सबको खुश आमदेद। आज जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ वो बच्चों के हवाले से है। तो फ्रेंड्स इस जगह पे फ़र्ज़ करें मैंने गलती की है और इस गलती को मैं म्यूट करना चाहता हूँ, तो वो मैं कैसे करूँगा? तो आपने जस्ट इस वीडियो पे क्लिक कर देना है। इस वीडियो पे क्लिक करने के बाद आपने नीचे आना है। इस वॉल्यूम पे क्लिक कर देना है। वॉल्यूम पे क्लिक करने के बाद आपने जहाँ पे अपनी वीडियो को म्यूट करना है वहाँ पे आपने जस्ट इस ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है। तो फ्रेंड्स आप देखिए कि यहाँ पे एक डॉट का निशान आ गया है और मैं यहाँ से यहाँ तक इसको म्यूट करना चाहता हूँ। तो मैं दोबारा से इस निशान पे क्लिक करूँगा। इस निशान पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड देखे कि यहाँ पे भी डॉट का निशान आ गया है। तो आपने डॉट से थोड़े से फासले पे इस लाइन को ले आना है और इस वॉल्यूम को डाउन कर देना है। फिर आपने दोबारा से इस डॉट से थोड़े से फासले पे इस लाइन को ले आना है और इस वॉल्यूम को डाउन कर देना है और फिर इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको मैं यही वीडियो दोबारा सुनाता हूँ कि आपको पता चले कि इस वीडियो में उस जगह पे वो आवाज़ म्यूट हुई है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इफ़ी मेकर चैनल में आप सबको खुश आमदेद। आज जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ वो बच्चों के हवाले से मैं आज आपको कुछ ऐसे टिप्स। आपने देख लिया कि इस जगह पे मैंने म्यूट किया था और ये वैसे ही म्यूट हो गई है, मेरी आवाज हाइड हो गई है। जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ वो बच्चों के हवाले से, यहाँ पे आवाज मेरी म्यूट हो गई है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप भी अपनी आवाज़ को म्यूट कर सकते हैं और अपनी वीडियो को अच्छे से अच्छा बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर नए यूज़र है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए।